ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? क्योंकि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है, हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। और मैं और भी कहना चाहते हैं तो रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा इंग्लिश भाषा, तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगा? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखिए कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए। देखिए सवाल ये है कि संविधान कहता क्या है? पहला आर्टिकल संविधान का वो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया भी है भारत भी है, लेकिन जो इस्तेमाल होता है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये आपका है ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, हम सबका गर्व है। ये आईआईटी आईआईएम सब में इंडिया है। अभी तक जो रिवाज था वो यही था कि प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब उसको बदला। लेकिन इस बदलने के पीछे उद्देश्य जो है उसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां और खास तौर से सेकुलर फोर्सेस देश के अंदर सब इकट्ठा हुए हैं इंडिया के नाम पे। अब उस इंडिया से इतना चिढ़ है इनको कि अब जो है भारत कहने लगे। देखिए हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मूदी पे भरत खंडे उस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है, और आपको नाम से परहेज। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। यही तो मैं कल से समझा रहा हूँ कि इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके सिर्फ एक बार नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट दो बार ये मैटर जा चुका, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया, कई बार लोकसभा राज्यसभा में इस पे प्राइवेट बिल आए, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो ये इतिहास पढ़े, मैं तो विदेश मंत्री जो कहने लोग संविधान पढ़े, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा इतिहास पढ़िए,
आपका इतिहास बड़ा कमजोर है, इसीलिए आपने बट्टाधार कर दिया है विदेश नीति का, भारत की कचरा कर दिया है आप बहुत ही असफल विदेश मंत्री साबित हुए। जी ट्वेंटी समिट के रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है, और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं, भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है, इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में की है और दी है तो इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है, और जो हमारी मातृभूमि है भारतवर्ष, वो भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है, ऋषभ देव जी के पुत्र और भारत मुनि, भारत के सम्राट, ये सबका नाम, और महाभारत, तो भारत तो सभी जगह आता है। और एक मैं श्लोक आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ जो कि विष्णु पुराण से है, और विष्णु पुराण मैंने नहीं लिखा, नाभि के समय में किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने लिखा, विष्णु पुराण हजारों साल पुरानी लिखी हुई हमारी पुराण है, जिसमें कहा गया है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, विच मीन्स, मतलब इसका मतलब है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है, तो ये तो विष्णु पुराण कहता है, तो अब इससे किसी को आपत्ति हो सकती है? आप केवल नाम तक फंस गए, हम नाम रोशन करने की बात करें, आप उसको हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, हमारे देश के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करने वाले। सर ये कुछ लोग केवल बयानबाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं, आखिरकार भारत का विरोध क्यों, ये भारत विरोधी मानसिकता क्यों? आप गर्व से कहते हो हम भारतीय हैं, आप गर्व से कहते हो हिंदुस्तानी, आप गर्व से कहते हो हम इंडियन हैं, आखिर भारत शब्द का प्रयोग करने पर इतना ऐतराज क्यों? ये कांग्रेस की दिवालियापन है मानसिकता का एक तरह से, अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय, गर्व से कहना चाहिए हम हिंदुस्तानी, गर्व से कहना हम इंडियन है, क्या दिक्कत है? ये केवल अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश को भी बदनाम करने से पीछे नहीं है। आप पहले विपक्ष तो ये षड्यंत्र कर रहा है कि हिंदू धर्म को ही मिटा दो, अभी ये भी पीछे पड़ गया भारत को ही मिटा दो, तो पहले वो लोग जाके राहुल गांधी जी से पूछे कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था? भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा।